अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंडा मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स ने मौसम को गर्माने के लिए एक और हार्ट सीरीज़ निकालने का प्लान कर दिया है। जी हाँ, इन्फिनिक्स हार्ट 12 सीरीज़ बहुत जल्द आ रहा है, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स हार्ट 12 के सबसे छोटे वाले वर्जन के बारे में। मुकम्मल डिटेल के साथ हर वो चीज़ यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है एक्सेप्ट डिज़ाइन। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जाज और आप देख रहे tech.pk। इन्फिनिक्स हार्ट 12 सीरीज़ इन्फिनिक्स हार्ट 11 सीरीज़ का सक्सेसर होने वाला है, और इस सीरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन आने वाले हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इन्फिनिक्स हार्ट 12 के बारे में, बट यहाँ पर हम बात करने वाले इन्फिनिक्स हार्ट 12 प्ले स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन की तमाम चीज़ें आलमोस्ट निकल के सामने आ चुकी है, और इस सीरीज़ में एज वी नो कि हम जानते कि 4 स्मार्टफोन आएंगे, इन्फिनिक्स हार्ट 12, इन्फिनिक्स हार्ट 12 आई, इन्फिनिक्स हार्ट 12 एस, और इसके अलावा इन्फिनिक्स हार्ट 12 प्रो। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हार्ट 12 आई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट जो 3 स्मार्टफोन है वो तो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुके हैं। तो ये स्मार्टफोन मुकम्मल तौर पर तमाम जिनके सामने आ चुके हैं, कुछ सर्टिफिकेशन है उस पर भी लिस्ट हो चुका है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इस स्मार्टफोन का जो मॉडल नंबर है वो भी आपके सामने है। और इन सर्टिफिकेशन, इन लीक्स का जो क्रेडिट है वो जाता है पैशनेट गीक्स को और टेकी प्रीचर को। इन दोनों ने यहाँ पर इस स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी डिटेल निकाल दी है, तो इसलिए उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है। इन्फिनिक्स हार्ट 12 प्ले स्मार्टफोन के बारे में तमाम चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है एक्सेप्ट यहाँ पर डिज़ाइन। इस स्मार्टफोन डिज़ाइन के बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं कि इसका जो डिज़ाइन होने वाला वो किस तरह का होगा, बट जैसे कोई कन्फर्मेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट बाकी तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूडिंग डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम वेरियंट, कैमराज, बैटरी, तमाम यहाँ पर कन्फर्म है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले मिलेगा, एक सेंटर पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया जाएगा, और 90 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है। और हम जानते हैं कि इन्फिनिक्स ने इस बार काफ़ी अच्छे इकदाम उठाए हैं, तो अगेन 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देना काफ़ी एक प्लस पॉइंट है। और छोटे छोटे बेजल्स है, छोटी यहाँ पर चिन होगी, चिन तो खैर इतनी छोटी नहीं होगी, बट स्टिल गुजारे लायक होगी। एज ए मिड रेंज स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर डिस्प्ले निकल के सामने आती है। इस स्मार्टफोन में बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में यहाँ पर रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात हूँ तो यहाँ पर सेंटर पांच होल कैमरा में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगेन जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो मिसिंग है, जो कि इस प्राइस में ऑलरेडी मिस होती है, बट जो फ्रंट कैमरा है उसको आई थिंक अगर बढ़ा देते तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बात हो जाती, बट यहाँ पर अगेन वही 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस बार आई थिंक रेजोल्यूशन को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि चिप सेट को चेंज करके, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके एक सक्सेसफुल स्मार्टफोन नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी होता है। चिपसेट एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार इन्फिनिक्स हार्ट 12 सीरीज़ में जो हार्ट 12 प्ले स्मार्टफोन है इसमें बताया जा रहा है कि एक नया प्रोसेसर होगा, यूनिसो की तरफ से होगा, T700 चिपसेट है, और ये एक नया चिपसेट है जो कि आई डोंट नो किस तरह का परफॉर्म करेगा। 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, यानी फेब्रिकेशन प्रोसेसर थोड़ा सा यहाँ पर मज़े का नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट तो नहीं होगा, बट स्टिल गुजारा होगा, पावर एफिशिएंट इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। एज ए मिड रेंज स्मार्टफोन ये आई थिंक डिसेंट चिपसेट हम इसको मान सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में माली का GPU होगा, माली G52 का GPU देखने को मिलेगा, और इसके अलावा 4 GB रैम, 128 GB कंटेनर स्टोरेज देखने को मिलेगी, EMMC 5.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। SVNO के मिड रेंज स्मार्टफोन में यही स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, और इसके अलावा एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और इसके अलावा इन्फिनिक्स का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो देखने को मिलेगा 10.0, जो कि नया लेटेस्ट स्किन है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कन्फर्म होगा कि वही देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की जो चिपसेट है पर प्रोसेसर है उसके बारे में कुछ डिटेल भी निकल के सामने आ चुकी है, जो सिंगल स्कोर है और मल्टी स्कोर है, मैं आपके पेश नज़र करना चाहूँगा। यहाँ पर जो सिंगल स्कोर है वो है 349 और मल्टी कोर है 1306। इसके अलावा यहाँ पर बाकी डिटेल भी आपके सामने है, मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी डिटेल है, लाइक मेमोरी, इसके अलावा स्टोरेज, रैम वगैरह बहुत चीज़ें हैं। और ये जो स्मार्टफोन है 16 दिसंबर 2021 को ये लिस्ट हो चुका है, यानी 16 दिसंबर से इस स्मार्टफोन में काम जारी है। तो और अगर देखा जाए तो एक डिसेंट प्रोसेसर है, और गेमर्स के हिसाब से अगर हम समझें तो गुजारे लायक होगा, बट स्टिल देखो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा बात इस पर नहीं कर सकेंगे। तो जैसे कोई ऐसा स्मार्टफोन आएगा जिसमें ये चिपसेट होगा तो हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे।
इस मॉडल में 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्ज होगी, टाइप सी कनेक्टिविटी होगी, 3.5 ऑडियो जैक होगा, सिंगल स्पीकर बॉटम में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन के जो यहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिसेंट है, और जो प्ले स्मार्टफोन होता है हार्ट सीरीज में उसको देखते हुए आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड स्मार्टफोन लग रहा है, और बिल्कुल जो हार्ट 11s स्मार्टफोन था उसका मुकाबला आराम से कर सकेगा। तो देखते हैं कि ये प्राइस किस तरह निकल के सामने आएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही कह थी कि ये स्मार्टफोन 20 से 22 हज़ार के दरमियान में ही लॉन्च होगा, इससे ज़्यादा इस स्मार्टफोन को लॉन्च होना भी नहीं चाहिए, और इस दिनों की जो लॉन्च डेट होगा वो अराउंड मार्च के महीने में हमें देखने को मिल सकेगा, उससे पहले चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल अगर देखें तो स्मार्टफोन मुझे काफ़ी पसंद है, आप लोगों का क्या ख्याल है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और काफ़ी तेज़ न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।